हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश। वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे 5 बिगनर फोटोग्राफी मिस्टेक्स के बारे में और जानेंगे कुछ प्रो टिप्स के बारे में जिनसे आप एक अच्छे लेवल की फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों के माइंड में हमेशा एक बात रहती है कि अगर मुझे कोई अच्छे लेवल की फोटोग्राफी करनी है तो मुझे उसके लिए अच्छे लेवल के गैजेट्स लेने होंगे, कॉस्टली गैजेट्स लेने होंगे और उसके लिए मुझे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना होगा जिससे कि मैं एक अच्छे लेवल की फोटोग्राफी कर सकूं। तो ऐसा जरूरी नहीं है यार। आप लोगों को सबसे पहले ये डाउट को अपने माइंड में से हटाना होगा और आप लोगों को टोटली फोकस करना होगा अपने वर्क के ऊपर। और अगर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप उस वर्क को इजीली कर सकते हैं। आप लोगों ने जनरली इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि बहुत सारे फोटोग्राफर मोबाइल से भी बहुत अच्छी फोटोज क्लिक कर लेते हैं जो कि एक प्रोफेशनल और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं। तो वैसा आप लोग भी कर सकते हैं, बस आपको अपने वर्क पे फोकस होना होगा। अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम चेक किया तो आप देख सकते हैं पहले मैं भी मोबाइल से ही पिक्चर्स क्लिक करता था और उन्हें एडिट करता था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी प्रीवियस पोस्ट। और जब मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया अपने वर्क को लेकर के, तब मैंने एक DSLR की और मूव ऑन करने का प्लान किया और उसके बाद में मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने लग गया, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। तो आप लोगों को भी सबसे पहले अपने माइंड से इस डाउट को क्लियर करना होगा कि आपको एक अच्छे लेवल की फोटोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको बड़े बड़े गैजेट्स चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप एक मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस करना यह है कि आपको स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं जो कि फोकस पॉइंट्स। किसी भी पिक्चर को क्लिक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फोकस पॉइंट्स, क्योंकि जो कैमरे के फोकस पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप किस चीज़ को फोकस करना चाहते हैं और किस चीज़ को नहीं। अब कैमरे के फोकस पॉइंट्स में क्या फोकस रहेगा और आपके माइंड में किस चीज़ को फोकस करना है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। इसको आपको मैन्युअली फोकस करना होगा जिससे कि सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही फोकस रहे और आपको एक परफेक्ट और क्लियर शॉट मिल सके। मोस्टली बिगनर्स यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जो कि मैनुअल कैमरा सेटिंग्स। जब भी आप कोई शूट कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो कैमरा सेटिंग्स हैं वो मैनुअल पे रहे, जिससे कि आपकी पिक्चर्स ओवर एक्सपोज ना हो जाए या फिर ज़्यादा डार्क ना हो जाए और आपको एक परफेक्ट शॉट मिल सके। क्योंकि कभी कभी किसी जगह क्या कंडीशन होती है, कभी किसी जगह क्या कंडीशन होती है, इसके लिए आपका कैमरा प्रिपेयर नहीं है, आपको इसको मैनुअली प्रिपेयर करना होगा ताकि आप एक परफेक्ट शॉट ले सकें और आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सके। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जो कि पर्सपेक्टिव। फोटोज हमेशा आपके पर्सपेक्टिव पर ही डिपेंड करते हैं कि आप क्या क्लिक करना चाहते हैं, आपके माइंड में क्या है। जैसे आप कभी किसी चीज़ को कैप्चर करना चाहते हैं तो क्या पता उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्राइपॉड की जरूरत, क्या पता आपको कभी उस ट्राइपॉड की जरूरत नहीं पड़े, ये सब कुछ आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए विजन कि आपको क्या क्लिक करना है, तभी आप एक परफेक्ट शॉट ले पाएंगे। ज़्यादातर फोटोग्राफर्स की यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, तो अगली बार आप जब भी शूट करें तो इस चीज़ का मेनली ध्यान रखें। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं जो कि ओवर एडिटिंग। बहुत से फोटोग्राफर्स सब कुछ अच्छा कर लेते हैं, उनके फोकस पॉइंट भी सही जगह फोकस्ड होते हैं, उनकी कैमरा सेटिंग्स भी बिल्कुल सही होती है, एक्सपोजर सेटिंग्स वगैरह, उनका पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल फिक्स होता है, फिर भी वो लास्ट में सबसे बड़ी गलती कर देते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के टाइम पे, जो कि है ओवर एडिटिंग करके। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो वो फ्लैट कलर्स में होती है, आपको उनको और परफेक्ट करने के लिए एडिट करना होता है जिससे कि वो एक बेसिक इमेज से एक परफेक्ट इमेज में कन्वर्ट हो सके। कभी कभी कुछ फोटोग्राफर्स उस चीज़ को ज़्यादा ही एडिट कर देते हैं जिससे कि वो एक नेचुरल इमेज ना लग के कुछ इमेजिनरी सी शो होती है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपने पिक्चर को ओवर एडिट नहीं करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ से डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।